أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله ناظرين پروگرام صبح بخیر کے ساتھ آپ کی میزبان یسرا خان حاضر خدمت ناظرین امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ احسان بے حد کرم کہ میرے رب نے ایک تاریک رات کے بعد روشن سویرا نئی زندگی نئی صبح ہم سب کو عطا فرمائی اور موقع دے دیا کہ دراصل جو غلطیاں کر کر کے हमने अपने रोशन सवेरे को अंधेरी रात में तब्दील किया था, अब आज की नई सुबह आज की नई ज़िंदगी हम कोशिश करें कि उन गलतियों को पहले तो पहचान लें, पहचानने के बाद फिर कोशिश ये करें कि उन गलतियों को ना दोहराएं, अपनी इस्लाह करें। नाजीन आप सभी को प्रोग्राम में खुश आमदेद कह रही हूँ। ये वो प्रोग्राम जो आप मुलाहिजा फरमाते हैं आपके अपने चैनल ARYQ TV पर हर इतवार की सुबह मेरे साथ यसरा खान के साथ। तो नाज़रीन आज भी आप हैं, हम हैं, हमारे मेहमान होंगे, गुफ्तगू होगी। आज जो मौजू है वो बहुत ही अहम है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं। और नाज़रीन यकीनन हम सब किस चीज़ की तलाश में, किस शय की तलाश में हर जगह जाते हैं, वो है बरकत। कि छोटा सा भी काम हो, थोड़ा सा भी माल हो, थोड़ा सा भी रिस्क हो, तो उसमें अल्लाह तबारक व तआला बरकत अता फरमाए, और उसके लिए मुख्तलिफ वज़ाइफ़ मुख्तलिफ तरीके हम इख्तियार किया करते हैं। तो ये खैर व बरकत जिसका नाम बार बार लिया जाता है, ये दरअसल है क्या? आज हम इस हवाले से बात करेंगे और हम चाहेंगे आपकी जानिब से भी हमारे तमाम तर फीडबैक में इजाफा हो। आप भी बताएं कि आपको आज का मौजू कैसा लगा, और हमारी मेहमान से मुलाकात करें तो आप भी सवालात के लिए कॉल करने की कोशिश करें। तो आइए खुश आमदेद कहते हैं हमारी मेहमान को। हमारे साथ जो मेहमान स्कॉलर नाजीन आज प्रोग्राम सुबह खैर में मौजूद हैं, आप इस प्रोग्राम से इनको पहली बार मुलाहिजा फरमा रहे हैं, आइए खुश आमदेद कहते हैं, सलाम अर्ज करते हैं। यकीनन एक इस्लामिक स्कॉलर है, बेहतरीन अंदाज़ बयां, बेहतरीन अंदाज़ गुफ्तगू, और इंशाल्लाह आपके तमाम सवालात के जवाबात देंगी तसल्ली बख्श अंदाज में कुरान व हदीस की रोशनी में। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मोहतरमा बीना यज़दानी साहिबा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम। खुश आमदेद कहती हूँ आपको और मेरी जानिब से सुबह खैर। और यकीनन एक अहम मौजू है खैर और बरकत। यकीनन कोई शख्स बेबरकती नहीं चाहता, और हर शख्स चाहता है कि हर मामला खैर के साथ तकमील को पहुँचे। तो ये जुमला या ये लफ्ज़ जो खैर व बरकत हम बार बार सुनते हैं, अगर मैं चाहूँ कि इसकी वजाहत करें, वाजह करें ये क्या है, इसको बयान करें, इसकी डेफिनेशन क्या है। लेकिन यकीनन रेफरेंस हमें ऑथेंटिक चाहिए, तो वो बिलाशुबा कुरान और हदीस के सिवा कोई और नहीं हो सकता। इस बात से कोई भी मैं कहूँगी मुखालफत नहीं कर सकता। तो क्या फरमाएंगे खैर व बरकत और इस मौजू को वाजह किया जाए अगर कुरान और हदीस की रोशनी में, तो क्या बातें हमें मिलती हैं? पहले तो बात यह है कि पाक और बरकत वाली ज़ात है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, बेशक कि जब वो नाम लिया जाता है तो उस नाम में ही इतनी बरकतें हैं कि जब हम उसका नाम लेते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर खून गर्दिश करने लग जाता है और एक अजब सा कैफ़ो सरूर आ जाता है। और उसका नाम लेकर जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस काम में बरकत डाल देता है, बेशक। तो हम जो भी काम करते हैं, तो अक्सर जो भी हम काम करते हैं तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लेके करते हैं, अल्लाह का नाम लेके करते हैं। अल्लाह का अहकाम भी यही है कि जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ते हैं, खाना शुरू करते हैं। वो वजह यही होती है कि थोड़ी सी चीज़ होती है बज़ाहिर देखने के लिए, थोड़ी चीज़ होती है और उसमें बरकत डालने के लिए हम वो कलमात अदा करते हैं ताकि वो चीज़ ज़्यादा हो जाए, वो ज़्यादा हमें फ़ायदा पहुंचा सके, वो थोड़ा सा अमल हमें ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सके और उसमें बरकत आ सके, बरकत आ सके। तो बरकत तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से ही शुरू होती है और फिर उसके महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे चलते हुए, उनके फरामीन पे चलते हुए और उनकी अदबा में ज़िंदगी गुजारते हुए, तकवा और परहेज़गारी को अपनी ज़िंदगी में ला कर अगर हम अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें शामिल करें तो हमारे हर काम में बरकत शामिल हो जाती है, बेशक बिलाशुबा। और बात हम खैर और बरकत की कर रहे हैं, मैं चाहूँगी हमारे नाज़रीन भी प्रोग्राम का हिस्सा बने। एक तो यकीनन आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं बीना यज़दानी साहिबा, गुफ्तगू का मौजू रहेगा आज इंशाल्लाह खैर और बरकत। इसके अलावा आपके लिए कुछ सवालात नाज़रीन हमने फेसबुक पेज पर भी शेयर किए हैं, अगर आप हमारा पेज अभी तक ज्वाइन नहीं कर सके तो आज ही कीजिए, पेज का नाम सुबह खैर QTV, और जाकर लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए, पोस्ट दीजिए। आज आपके लिए दो सवालात वहाँ हमने शेयर किए हैं और वही सवालात हमारे कॉलर्स और नाज़रीन के लिए भी हैं। और पहला सवाल है नाज़रीन के, कलमाए तैयबा में कितने नुक्ते हैं?
और दूसरा सवाल जो आपसे मैं शेयर कर रही हूँ वो है, यकीनन जैसे कि बीना यजदानी साहिबा ने भी फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो इसमें कितने हुरूफ शामिल हैं? तो दोनों सवालात आपके लिए जवाब दीजिए, हमें आपके तमाम जवाब का इंतज़ार रहेगा। बीना यजदानी साहिबा, हमने जो मौजू सेलेक्ट किया है खैर व बरकत, और माशाल्लाह प्रोग्राम का नाम भी सुबह खैर है, तो वो सुबह जिसको खैर से शुरू होना चाहिए उसके लिए क्या अमल हो, क्या करें? अक्सर यकीनन हम अगर देखें तो तिलावत से आगाज करते हैं, ये खैर का सबब बनता है, तो कैसे बयान करेंगे कि सुबह खैर, आम सी सुबह को सुबह खैर कैसे बनाए? मैं तो कहती हूँ खैर की बातों से आगाज किया तो सुबह खैर हो। बेशक, अल्लाह के नाम से हम शुरू करते हैं, और कोई तरीका, कुछ अमल ऐसे हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हम तक पहुँचे हैं कि वो अगर हम अमल करते हैं तो उसके ज़रिए से हमें खैर व बरकत मिलती है। बेशक, खैर व बरकत मिलती है। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौला अली करम अल्लाह वजह से फरमाया कि ए अली, रात को 5 चीज़ें करके सोया करो, 5 चीज़ें कर कर सोया करो। तो जनाब अली करम अल्लाह वजह ने फरमाया कि वो क्या चीज़ें हैं? तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4000 दिनार सदका देके सोया करो, 4000 दिनार सदका देके सोया करो, और एक हज करके सोया करो, दो लड़ने वालों में सुलह करा के सोया करो। और इस तरह से छोटा सा ये अमल है, तो उन्होंने कहा मैं किस तरह से करूँगा, तो उन्होंने फरमाया कि सूरह फातिहा को 4 बार पढ़ो तो इसका सवाब जो है वो 4000 दिनार के बराबर। माशाल्लाह, क्या बात है, सूरह फातिहा को अगर 4000 दफ़ा पढ़ते हैं, हम सिर्फ 4 बार अगर पढ़ते हैं, तो अल्लाह पाक ने इस अमल में बरकत डाल दी, अल्लाह ने इस अमल में बरकत डाल दी और इसका सवाब 4000 दिनार के बराबर कर दिया। फिर आपने कुल शरीफ पढ़ा, 3 दफ़ा पढ़ा आपने कुल शरीफ, और इसका सवाब 1 कुरान पाक के बराबर कर दिया। फिर आपने 2 लड़ने वालों में सुलह करवाई, तो 10 दफ़ा सिर्फ इस्तग़फ़ार पढ़ने को कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि 10 बार इस्तग़फ़ार पढ़ के सोया करो, तो आप 2 लड़ने वालों में सुलह करा देंगे। और फिर 10 बार आप दुरूद पाक पढ़ें तो आप जो है जन्नत की कीमत अदा कर देंगे। तो ये छोटे से अमल हैं जो के हमें जिंदगी में शामिल करने चाहिए। वही बात यही है कि तकवा का एक छोटा सा लफ्ज है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं कि तकवा किस तरह से इख्तियार किया जाए। ये कुरान ने करीम के हवाले से अगर हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि अल्लाह जो है परहेजगारों को पसंद करता है, परहेजगारों को पसंद करता है, तो परहेजगार किस तरह से बना जाए? तो नबी करीम सल्लल्लाहु, अब ये है ना, तबारकल्लज़ी बियादिही मुल्कु व हुवा अला कुल्ले शायइन कदीर। सही, अल्लाह ने फरमाया कुरान करीम में कि वो पाक ज़ात है जो के हर बड़ी बुलंदी वाला है, बड़ी बरकत वाला है, और वो हर शय पे कादिर है। अब बरकत वाली ज़ात अल्लाह की है, बरकत वाली ज़ात अल्लाह की है, लेकिन जब कोई परहेजगार हो जाता है, जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि परहेजगारों को अल्लाह अपना दोस्त बनाता है, जब वो उसका दोस्त बन जाता है, मुत्तकी हो जाता है, परहेजगार हो जाता है, तो वो अल्लाह का दोस्त बन जाता है। जब वो अल्लाह का दोस्त बन जाता है तो दोस्त से दोस्त की कोई चीज जुदा नहीं होती। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू है। नाजिन, आज इस मौजू पर हम बात कर रहे हैं वो है खैर व बरकत। तो आपके लिए हमने जो सवालात फेसबुक पर शेयर किए हैं उसके जवाब आने शुरू हो गए। मैं बता दूं, पहला जवाब हमें मौसूल हुआ है राफिया की जानिब से। जवाब मैं रिवील नहीं करूंगी, मैं चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा आप इस कंटेस्ट में पार्ट लीजिए, सवालात के जवाब दीजिए, आपके नाम इंशाल्लाह हम प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। आज बात कर रहे हैं नाजिम खैर व बरकत के हवाले से, तशरीफ़ फरमा है हमारे साथ बीना यजदानी साहिबा। कहते हैं कि अगर थोड़ी सी भी चीज़ हो और आप शुक्र अदा करें रब ताला का, तो बरकत का सबब होता है। तो ये शुक्र अदा करने को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। एक मुख्तसर सा वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होंगे, मज़ीद बात करेंगे। उम्मीद है आप रहेंगे हमारे साथ, देखते रहिए। सुबह खैर, सब बख़ैर, आप देख रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम अपनी मेज़बान यसरा खान के साथ। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं खैर व बरकत के हवाले से, और यकीनन आप जानते हैं ARYQ TV का यह खासा रहा है कि सुबह हो या शाम, कोई भी वक्त हो, आप जब भी ये चैनल ट्यून करते हैं तो ये चैनल भी एक वजह बनता है आपके घर में बरकत का, खैर का।
कैसे कि जब अल्लाह ताला का जिक्र आप करेंगे तो बेशक आपके घर में बरकत होगी, जब जिक्र आप सुनेंगे जिक्र में मसरूफ मशगूल रहेंगे तो बेशक अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा पाएंगे। और नाज़रीन अगर मैं बात करूँ अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा, अल्लाह ताला की खुशनूदी हासिल करने का ज़रिया क्या बातें बन सकती हैं, तो उन बातों में या उन तमाम आमाल में, उन तमाम चीज़ों में एक बात जो अहम है वो ये कि आप दूसरों का ख्याल कीजिए। आप बाकी तमाम मखलूक से मोहब्बत करेंगे, जिनका बेशक खालिक और मालिक मेरा रब है, तो मेरा रब आपको बेहद नवाजता है। तो आज नाज़रीन ख़ास प्रोग्राम है एहसास कैंपेन के हवाले से, ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट के हवाले से कुछ बात होगी अब से कुछ देर में। आपसे भी ये गुजारिश है नाज़रीन के प्रोग्राम आखिर तक हमारे साथ देखिएगा और समझिएगा कि इस कैंपेन का आपसे अपील का मकसद क्या है और अपनी मौजूदगी का एहसास भी हमें भरपूर अंदाज में आपको दिलाना है, क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं आपके लिए, हम यहाँ बैठे हैं आपके भाई बहनों के लिए, हम यहाँ बैठे हैं आपकी सुबह को सुबह खैर बनाने के लिए। तो जहाँ आप अच्छा नाश्ता कर रहे हैं, आप अच्छे अंदाज में घरों में बैठे हैं, तो कोशिश कीजिए अपने भाइयों का थोड़ा थोड़ा सोचिए, क्योंकि वो भी उनके लिए बहुत है। आज बात कर रहे हैं नाज़रीन हम खैर और बरकत के हवाले से, तशरीफ़ फरमाए हमारे साथ बीना यज़दानी साहबा, और प्रोग्राम में अभी अभी हमें ज्वाइन किया हमारी दूसरी मेहमान स्कॉलर ने, आइए उन्हें खुश आमदेद कहते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है आपकी जानी पहचानी मेहमान स्कॉलर, जानी पहचानी हस्ती, मुनफरद अंदाज बयाँ और खूबसूरत अंदाज गुफ्तगु, तशरीफ़ फरमाए मोहतरमा आमना सिद्दीकी साहिबा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदेद कहती हूँ आपको, सुबह खैर। आज आमना हमने जिस मौजू का इंतखाब किया वो है खैर बरकत। आगाज़ हमने किया कुरान व हदीस की रोशनी में बात करते हुए। मैं चाहूँगी इस मौजू को अगर आप ब्रीफ करना चाहें कुरान व हदीस की रोशनी में तो कुछ फरमाइए। और जो सवाल मैं आपसे कर रही हूँ वो ये कि बरकत का ताल्लुक क्या किसी ख़ास अमल से है, क्या कोई ख़ास ऐसी चीज़ है जिसमें बरकत रख दी गई कि ये कर लिया तो बरकत मिल गई, जैसे मैंने कहा कि शुक्र करोगे तो बरकत होगी, आप क्या फरमाएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत कुरानी से आगाज़ करूँगी आपकी बात का कि रब्बे कायनात कलाम मजीद में इरशाद फरमाता है तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु वहुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, कि बरकत वाली है वो ज़ात कि जिसके कब्ज़े कुदरत में मुल्क है और वो हर चीज़ पर कादिर है। बेशक इस वक्त सबसे पहले हमें यह समझना है कि दरअसल बरकत बज़ात खुद है क्या। सही, इसको जब तक हम समझेंगे नहीं ये हमारा जो मौजू है ये डिस्क्राइब नहीं हो पाएगा सही से। बिल्कुल। तो सबसे पहले बरकत के जो लफ्ज़ी मायने हुआ करते हैं साबित रहना, ठहरे रहना, और मुफस्सिरीन इकराम फरमाया करते हैं कि ऐसी कोई ख़ास कुव्वत, ऐसी कोई ख़ास पावर जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता कर दिया करते हैं। आम लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करें इसलिए कुव्वत और पावर का अल्फाज का इस्तेमाल कर रही हूँ। कोई ख़ास चीज़ को बढ़ा दिया करता है जब खलाक आलम, तो उसे बरकत कह दिया करते हैं। किस तरह, मिसाल के तौर पे कम मकदार में हमारे पास खाना है, बेशुमार अहदीस मुबारक वाक़ात हैं जो हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में हुए कि वो देख लीजिए 70 सहाबा इकराम ने एक दूध का प्याला जो नोश किया था हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से। इसके अलावा हज़रत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जब नबी अलैहिस्सलाम को अपने घर दावत पर मदऊ किया, आपके साथ बेशुमार सहाबा इकराम और भी आ गए, आपने अर्ज़ की रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूल अल्लाह लोग ज़्यादा हैं खाना कम है, नबी अलैहिस्सलाम ने कुछ पढ़कर उस हांडी पर दम फरमा दिया और फरमाया कि निकालते जाना मगर ढक्कन नहीं खोलना इसका, इसको ढके हुए ही निकालते रहना। तो तमाम सहाबा इकराम सैर होकर खाना तनावुल फरमा के चले गए और वो खाना वैसे का वैसे ही रहा। इसे कहते हैं बरकत, कि थोड़े में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरा कर दिया बल्कि वाफिर मकदार में अता कर दिया। एक और बात एक की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगी कि जंग का मौका है और मुसलमान आप जानती हैं कि किस कदर मुश्किल मराहिल से गुजरा करते थे, जहाद के हवाले से जब निकला करते थे तो मालो असबाब बिल्कुल ख़त्म होने पर है, यहाँ तक नौबत आ गई है कि अब जो जानवर जिस पर सवारी करके मैदान जंग तक पहुँचे थे उन ऊँटों को ज़िबा करने का वक्त आ गया कि उनसे फिर पेट भरा जाए। और हज़रत उमर फ़ारूक, अब आप ईमान देखिए कि हम कह रहे हैं ना किस अमल में हमें बरकत नज़र आती है, आपने सवाल ये किया, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म को जारी करने के बाद कि अपने पास जो ऊँट हैं उनको ज़िबा करके और खाना तनावुल किया जाए, इस हुक्म को सुनते ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में हाजिर और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह आपने हुक्म फरमा दिया कि ऊँट ज़िबा कर दिए जाएँ, इससे हमारे पेट तो भर जाएंगे लेकिन हमारी सवारियों में कमी आ जाएगी। मैं आपसे एक तजवीज़, आपसे एक अर्ज़ करना चाहता हूँ, वो ये कि आप अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए कि खलाक आलम हमें रिज़्क अता फरमाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन इस तजवीज़ को पसंद फरमाया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जब दुआ की तो खलाक आलम ने कुछ ऐसे अहकामात नाजिल किए यसरत जो ता क़यामत हमारे लिए सबक आमोज़ हैं, कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की फौरन बाद फरमाया
कि जितने सहाबा इकराम ये जितने लोग यहाँ मौजूद हैं उनके पास जो कुछ भी खाने को है, यहाँ तक कि खजूर की गुठलियाँ भी है, खाने से ताल्लुक रखने वाली कोई भी चीज़ है, एक दस्तरखान बिछाया जाए, तमाम अशिया उस दस्तरखान पर जमा कर दी जाए, चाहे वो एक दाल का दाना है, रोटी का सूखा टुकड़ा है, कुछ भी है। तमाम सहाबा इकराम ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पर अमल करते हुए जब उस दस्तरखान को अपनी बची कुची अशियाओं से भरना शुरू किया और वह दस्तरखान भर गया तो रसूल अल्लाह ने फरमाया कि खाना तनावुल कीजिए। क्या बात है। और तमाम सहाबा इकराम ने खाया, हदीस मुबारक के अल्फाज हैं कि वो ढेर वैसे का वैसे ही रहा लेकिन तमाम सहाबा इकराम ये है बरकत। बेशक गोया के नाजरीन से भी ये गुजारिश है कि ये जो बातें हम यहाँ कर रहे हैं तो उनको अपनी लाइफ से अगर हम रिलेट करें तो मेरे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ ये मिसाल दी, जहाँ ये फरमाया, तो वहीं हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि अक्सर हम देखते हैं कि खाने की कमी हो या अशिया की कमी होती है, अगर हम मिल बैठते हैं तो फिर वो कमी कहीं दूर चली जाती है, बल्कि जब दो मुसलमान बैठते हैं तो खैर की बात भी होती है, मुसाफा भी होता है, तो बरकत का सबक। बिल्कुल। लेकिन बरकत के साथ ही कुछ बातें हैं जो चलती हैं, जैसे हम कहते हैं ना खुशी के साथ गम है, दिन के साथ रात है, वैसे बरकत के साथ बेबरकती, इस लफ्ज का भी कसरत से इस्तेमाल होता है। और अगर मैं कहूँ कि लोग कहते हैं कि आजकल बेबरकती बहुत हो गई है, इतने में तो अक्सर कहती है ना दादियां नानियां कि इतने में तो हम पहले इतने किलो सामान ले लेते थे, अब तो बस एक वक्त का भी खाना नहीं बन सकता, इस बेबरकती की वजह क्या हमें समझ आती है कुछ के क्या है, तो बीना साहबा क्या फरमाएंगे आप? कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ही दौर में फरमाया था कि लोगों पे एक ऐसा वक्त भी आएगा कि जब वो ये फ़र्क नहीं करेंगे कि जो हमारे पास माल आ रहा है वो हराम है या हलाल है। तो जब हमारे रिक्स के अंदर और हमारे घरों के अंदर वो दौलत और वो माल आना शुरू हो जाए जिसमें हलाल और हराम का फ़र्क ना हो, तो हमारे रिक्स में कमी होना शुरू हो जाती है। फिर ये है कि सूद का मना किया गया है कि कहा गया है कि अगर एक दाना भी सूद का खाया जाए तो वो 33 बार जना के हलाल, यकीनन आप खाएंगे हलाल। तो बरकत भी होगी बेशक। सही। फिर ये कि झूठ है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, वही तकवा की बात आ जाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की शान है, अल्लाह की सिफात है कि वो तबारक लजी बरकत वाला है, तो अल्लाह ने अपने दोस्त को वो सिफात अता फरमाई कि वो दस्ते अकदस अगर किसी चीज़ पे लगता है, जैसे कि मेरी ये बहन ने बताया कि वो दस्ते अकदस जो लगाते हैं और उसके बाद जो है वो खाना पूरा पड़ जाता है। सुभान। और इसी तरीके से जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह इलाही में हाथ बुलंद करते हैं, वो अल्लाह के दोस्त हैं, जब वो बारगाह इलाही में दस्ते अकदस अपना बुलंद करते हैं तो अल्लाह पाक जो है उनकी दुआओं को कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह, लेकिन सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मुख्तसर सा वक्फा है बीना साहिबा, okay. आपकी इजाज़त से उसके बाद हाजिर होते हैं, मजीद बात यहीं से करेंगे। नाज़रीन बात कर रहे हैं खैर बरकत के हवाले से और मुझे उम्मीद है, बल्कि ये तो बात हकीकत है कि हम में से हर एक यही चाहता है कि हमारे दस्तरखान में, हमारे घर में, हमारे माल में, हमारे औलाद में, हमारी खुशियों में बरकत ही बरकत हो। तो आज जानिए इस बरकत को अपने दस्तरखान, अपने माल, अपने अहबाब में कैसे समेट सकते हैं। साथ रहिए, देखते रहिए, सुबह खैर। वेलकम बैक नाजरीन, सुबह खैर। आप देख रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम ARYQ TV पर। नाजरीन उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, और अब तक अगर आपने प्रोग्राम नहीं देखा तो मैं आपको बता दूं कि आज इस मौजू पर हम बात कर रहे हैं वो है खैर व बरकत, और साथ साथ गुफ्तगू के एक सवाल, बल्कि दो सवालात आपसे हमने शेयर किए हैं फेसबुक पर। वो सवालात आपको बता दूं, अगर आप चाहें तो हमें कॉल करके भी जवाब दे सकते हैं, बाकी फेसबुक पर तो माशाल्लाह आपके जवाब आना शुरू हो चुके हैं। पहला सवाल है कि कलमा तैयबा में कितने नुक्ते हैं, और दूसरा सवाल है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में कितने हुरूफ शामिल हैं। तो दोनों सवालात आपके लिए जवाब दीजिए, हम आपके नाम जरूर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। नाज़रीन तशरीफ़ फरमाए हमारे साथ बीना यजदानी साहब और साथ ही आमना सिद्दीकी गुफ्तगू के लिए। और आज का प्रोग्राम नाज़रीन खास तौर पर एहसास ट्रस्ट और ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट से भी मंसूब है, और यकीनन ये ट्रस्ट बगैर किसी मुनाफे के, बगैर ये सोचे कि इन्हें बदले में क्या मिलेगा, एक ही काम करें, वो ये है कि दुखी इंसानियत की खिदमत। और ख़ास तौर पर आज बात होगी नाज़रीन थर के हवाले से, कहत है, बात सब कर रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकली क्या कर रहे हैं, क्या मज़ीद ज़रूरियात हैं, क्या बातें हैं जिनके लिए हमारे वो भाई बहन जो वहाँ मौजूद हैं मुंतज़िर हैं। तो आज उस पर बात करेंगे, उम्मीद है आप हमारे साथ ही रहेंगे। तो बीना साहिबा वक्फे पर जाने से पहले हमारी बात हो रही थी बेबरकती की वजूहात पर, और कुछ मज़ीद आप ऐड करना चाहेंगी? बेबरकती यही है कि जब हम अल्लाह के अहकाम पे अमल नहीं करते हैं, पहले तो ये कि ज़ाहरी बेबरकती, ज़ाहरी बेबरकती जो हमारे घरों में हो गई है आजकल, कि हमारे रिश्तों में अगर आप देखें तो वो बात पहले जैसी नहीं रही है कि जो मिल बैठ के जो बातें होती थी, तो ये बेबरकती की एक अलामत है कि रिश्तेदारों
से वो बात नहीं रही है, तो बात वही आती है फिर तकवा पे और परहेजगारी पे कि जब हम अपने दिल के अंदर अल्लाह का खौफ लाते हैं तो हमारे दिलों के अंदर से बुगस, कीना और हसद की आग जल के खाक हो जाती है। जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो उसके बाद जो है हमारे दिलों में रहम आ जाता है कि अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर ज़िंदगी को देखें तो उन्होंने तमाम दुनिया को अपने अखलाक की ताकत के ज़रिए से तस्खीर किया। क्या बात है, बेशक बेशक बिला शुबा तमाम अखलाक की ताकत से तस्खीर किया और इसी तरह से उन्होंने मोहब्बत का पैगाम लोगों को दिया और मोहब्बत का पैगाम आगे बढ़ा। मोहब्बत यही है कि मुसलमान मुसलमान का आईना है। बेशक बिला शुबा, और जहाँ ये बातें कह दी मेरे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और ये तो वो बातें नाज़रीन जो बचपन से आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, जानते हैं, अक्सर आप गुफ्तगू में खुद भी कहते होंगे, जो अपने लिए पसंद करो अपने भाई के लिए पसंद करो, अपने भाई के लिए कभी बुरा ना सोचो, भाई की कभी चुगली कभी गइबत नहीं करनी चाहिए। तो ये बातें सुनते तो हम हमेशा से आ रहे हैं, आज ये सोचिए कि क्या आप इन बातों से बचते हैं जिनसे बचने के अहकामात मिले। अच्छा, एक सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप ना हमसे फेसबुक पर भी शेयर हुआ कि अक्सर मुख्तलिफ कलमात हम अदा करते हैं, जैसे ईद पे ईद मुबारक, जुमा पे जुमा मुबारक, शादी हो किसी की तो शादी मुबारक आ जाता है, मुबारकबाद दी जा रही होती है, जवाब में जो बात मिलती है वो होती है खैर मुबारक। इस स्टेटमेंट, इस जुमले का क्या मतलब है, क्यों कहा जाता है, क्या फरमाएंगे? बड़ा अच्छा सवाल है, और वही बात है कि हम चीज़ें समझते नहीं हैं, बस एक जो हमारे यहाँ एक चीज़ राइट हो जाती है उस पर अमल करना फौरन सब शुरू कर देते हैं, बिना मकसद जाने, बिना मतलब जाने। तो जिस तरह मुबारकबाद दी जाती है ईद मुबारक या शादी के हवाले से, औलाद की पैदाइश के हवाले से, कोई भी मुबारकबाद जब दी जाती है तो सबसे पहले तो बरकत की दुआ दी जा रही है। मुबारक का मतलब क्या हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें बरकत अता फरमाए, हम उर्दू में कह दिया करते हैं ईद मुबारक या शादी मुबारक जो भी। लेकिन जो आंसर आता है आपके पास खैर मुबारक, उसका क्या होता है कि वो भी आपको एक तरह से दुआ रिटर्न कर रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो खैर है, जो खूबियां हैं, बेहतरी है, वो आप पर भी नाजिल हो। सही। मकसद हमारा ये होता है, हम लोग क्या करते हैं ईद मुबारक जी, खैर मुबारक, मतलब ऐसा लगा फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, नहीं बल्कि खुशमिजाजी के साथ जवाब ये देना है, जिसने ये दे दिया तो खुशमिजाजी के साथ जवाब देना चाहिए। एक मुसलमान भाई या बहन आपको बरकत की दुआ दे रही है तो आप भी बिल्कुल उसी तरह जिस जज्बात के साथ उसने आपको दुआ दी, उसी जज्बात के साथ आप भी कहें कि बारकल्लाह, जैसे अरबी में कहा जाता है कि बारकल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको इसमें बरकत अता फरमाए, किसी भी काम में हो सकती है, फिर वो औलाद में हो सकती है, शादी में, कोई नया घर लिया उसकी तकरीब कर रहे हैं तो उस हवाले से। तो जब उर्दू में कहा जाएगा तो वो ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बरकत अता फरमाए, तो अगला जवाब ये देता है खैर मुबारक, अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतरी अता फरमाए, भलाई अता फरमाए। सही, बेशक सुभान अल्लाह। गोया कि हम अक्सर बातें कहते तो हैं लेकिन हमें मतलब हमें पता ही नहीं होता, तो इसलिए हम फीलिंग से भी महरूम रहते हैं, और शायद मुझे लगता है कि जितना हमें पा लेना चाहिए उस जुमले के बदले वो भी शायद नहीं मिलता, नहीं मिल पाता। तो नाज़रीन, बात कर रहे हैं हम खैर और बरकत के हवाले से, और अगर हम बात करें कुरान मजीद के हवाले से, तो बेशक ये वो किताब है जिसका पढ़ना भी बरकत का सबब है, जिसका घर में मौजूद होना भी बरकत का सबब है, और यकीनन अगर इसको समझ कर पढ़ लिया तो ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी में, आपके माल में, आपकी हर चीज़ में बरकत और खैर पैदा हो जाती है, बल्कि साथ साथ सबसे बढ़कर चीज़ जिसके लिए एक मुसलमान तड़पता है, बिलकता है, और वो है रब ताला की रज़ा, तो वो भी हासिल करने का जरिया ये कुरान मजीद है कि पढ़ लो, अमल कर लो, फिर तो कुछ बाकी नहीं इस दुनिया में, सब आपने हासिल कर लिया। तो कुरान मजीद में भी अगर हम मुताला करें इस प्यारी किताब का, कि जो मुझे तो उम्मीद है हमारे नाज़रीन हर सुबह उठाते होंगे, पढ़ते होंगे, कोशिश करते होंगे कि उसको तफसीर के साथ पढ़ें, तो क्योंकि हमारी स्कॉलर भी मौजूद है माशाल्लाह, तफसीर के साथ खुद भी पढ़ा पढ़ाती भी हैं, तो मुझे ये बताया कुरान मजीद की कई सूरतें हैं कि जिसमें तबारक अल्लज़ी शामिल है, हमने कई मरतबा, मैं कहूँगी आज के प्रोग्राम में भी इसका जिक्र किया है, अगर मैं कहूँ सूरह रहमान तो वहाँ पर भी है, अगर मैं कहूँ सूरह मुल्क तो वहाँ पर भी मौजूद है, सूरह फुरकान में भी मिलता, तो ये अल्लाह ताला की खास सिफ्त है जिसका हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगी सिफ्त पर, रब ताला की इस क्वालिटी पर थोड़ी सी रोशनी डालें ताकि हमारे नाजरीन जाने कि मेरा रब कितना बरकत अता फरमाने वाला है। तबारक अल्लज़ी, बड़ी बरकत वाला है वो रब, बड़ी बरकत वाला है वो रब। कई सारी हमारी जो सूरतें हैं, सूरह मुल्क है और बहुत सारी ऐसी सूरतें हैं जो कि तबारक अल्लज़ी से शुरू होती हैं। बरकत वाला है वो रब, तो अल्लाह की सिफात है कि वो बरकत वाला है, अल्लाह की बेशुमार सिफातें हैं, इसी तरीके से अल्लाह की ये भी सिफात है कि वो बरकत वाला है। तो अगर हम अल्लाह की सिफात को अपनाना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी के अंदर उस बरकत को लाना चाहते हैं तो हमें अल्लाह के अहकाम पे अमल करना पड़ता है। अहकाम पे अमल करते हैं फिर हमारी ज़िंदगी में वो बरकतें
आनी शुरू हो जाती हैं, रहमतें आनी शुरू हो जाती हैं, नेमतें आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो अरहमर रहमीन हमें हर तरह से नवाजने का बहाना ढूंढता है। अल्लाह ताला की कुदरत ही यही है, क्या बात है, बेशक बिला कि वो जब चाहे, जहाँ चाहे और जिस वक्त चाहे अपने बंदे को नवाजने का बहाना ढूंढता है। वो मायले आता है, पुकारो तो सही, बेशक बेशक बस वो पुकारने की देर है। बेशुमार सफ़ातें हैं, उसमें से ये भी एक सफ़ात है जो बरकत वाला है। तो वो सफ़ात को अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर हम लेकर आना चाहते हैं और उससे कुछ फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो बात यही है कि वही अल्लाह का दोस्त बनना पड़ेगा, मुत्तकी बनना पड़ेगा, कि अल्लाह ताला परहेज़गारों को पसंद करता है, तौबा करने वालों को पसंद करता है। तो बिलाशुबा एक अहम मौजू है, तौबा करने वाले को पसंद करता है मेरा रब। अच्छा एक क्वेश्चन हमसे फेसबुक पर शेयर हुआ है आमना, मैं चाहूंगी आप इसका जवाब जरूर दीजिए। हमारी व्यूअर हैं हमना और ये रावलपिंडी से लिखती हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका प्रोग्राम में हर संडे देखती हूँ, बहुत अच्छा मौजू है। मुझे ये बता दें कि हम अल्लाह के दोस्त की बात कर रहे हैं, अल्लाह का दोस्त कैसे बने, क्या किया जाए आमना? बहुत अच्छा सवाल है, मैं चाहूंगी मुख्तसर लेकिन प्यारे अल्फाज में इसका, और मतलब इस लगन पर, इस जस्तजू पर ये दुआ दूंगी मैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी इस लगन में मजीद इजाफा अता फरमाए, जो सवाल इन्होंने किया। लेकिन जवाब हम आपसे ब्रेक के बाद जरूर। और इसके लिए नाजीन आपको क्या करना है, आपको अपने प्रोग्राम से दोस्ती बनाए रखनी और वापस आना है वक्फे के बाद, देखते रहिए सुबह खैर। वेलकम बैक नाजरीन, सुबह खैर, आप देख रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम युसरा खान के साथ। नाजरीन एक ऐसा प्रोग्राम जहां हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसे मौजूआत पर बात करें जो आपकी आम जिंदगी से रिलेटेड हो, और आप जब प्रोग्राम देखें, हमारी गुफ्तगू सुने, तो कोशिश करें कि इन बातों को अमली तौर पर अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। तो उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम से भी आप ज़रूर मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। तशरीफ़ फरमाए नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे मेहमान स्कॉलर्स मोहतरमा बीना यज़दानी साहिबा, और साथ ही तशरीफ़ फरमा है आमना सिद्दीकी। वक्फे पर जाने से पहले आमना, मैंने अपने फेसबुक व्यूअर का क्वेश्चन शामिल किया, हमना रावलपिंडी, अल्लाह का दोस्त कैसे बना जाए? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब हमें नवाजने के बहाने ढूंढा करता है, हम अपने बुज़ुर्गों से, अपने बड़ों से अक्सर ये बात सुनते हैं, लेकिन जब बात आती है कि उसके करीब कैसे हुआ जाए, उसका क़ुर्ब कैसे हासिल किया जाए कि वो हमसे राज़ी हो जाए, आपके बात के हवाले कि हर मुसलमान यही चाहता है कि खलाक़ आलम की रज़ा मिल जाए, तो उसके लिए जब हम सवाल करते हैं खलाक़ आलम तेरा क़ुर्ब कैसे हासिल करें, तो रब्बे कायनात हदीस कुदसी में फरमाता है कि मेरा क़ुर्ब नवाफिल के ज़रिए हासिल करो। जितनी हम नफली इबादत करेंगे, देखें जो फ़र्ज़ है वो हमारी ड्यूटी है, वो हमें करना है, पूरा बिल्कुल करना है, उसकी तो कोई मतलब गुंजाइश ही नहीं है ना छोड़ने की। लेकिन आती है अगर आप मज़ीद अल्लाह से करीब होना चाहते हैं, उसके लिए क्या अमल करना पड़ेगा, तो एक ख़ास चीज़ बता दी गई कि आप नफिल के ज़रिए, नवाफिल के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का क़ुर्ब हासिल करो। और जब कोई बंदा अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने के लिए नफली इबादतें करता है, हदीस पाक के अल्फाज है कि खलाक़ आलम फरमाते फिर मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिसके ज़रिए वो काम करता है, उसकी निगाह बन जाता हूँ जिसके ज़रिए वो देखता है, उसकी समाअत बन जाता हूँ, उसके कदम बन जाता हूँ कि जिसके ज़रिए वो चलता, मतलब तमाम तर जिम्मेदारियां जो तमाम हमारे काम हुआ करते हैं वो खलाक़ आलम फिर अपने जिम्मे ले लिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और फिर ऐसे ही जब रब्बे कायनात नवाजा करता है बंदों को इबादत के जरिए, नफली इबादतों के जरिए, तो फिर ही कहा जाता है कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि जब वो विलायत के आला मकाम पर पहुंच जाया करते हैं तो ना तो फिर उन्हें डर होता है, ना किसी बात का खौफ होता है, ना वो गमगीन होते। क्या बात है, सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको भी इस बात को समझने की तौफीक अता फरमाए। और हम जहाँ खैर व बरकत की बात करें, तो यकीनन ये खैर, ये बरकत कहीं और नहीं बल्कि रब ताला की रजा की तलाश में ही मौजूद है। आप इसके मुतलाशी हो जाएंगे तो हर चीज़ आपके दामन में खुद ब खुद आ जाएगी। अच्छा बुजुर्गों की अगर हम बात करें, औलिया कराम की बात करें, या अपने उन असलाफ की बात करें कि जिनसे हमने सीखा कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, हम असहाबे कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन की बात करें, अंबिया कराम की बात करें, मुख्तलिफ मिसालें माशाल्लाह तारीख में मौजूद हैं जो ताबिंदा सितारे हैं हमारे तारीख के, उनकी चीज़ों को भी तबर्रुक कहा जाता है, इसके बारे में क्या कहेंगी, क्या रहनुमाई फरमाएंगे हमारी नाज़रीन की बीना साहिबा? तबर्रुक का मतलब मुबारक चीज़ है, मुबारक चीज़ है। तो जो अलिया अल्लाह है, ये कुरान और कुरान से भी ये बात साबित है कि ताबूत सकीना जो है, ताबूत सकीना जो है बनी इसराइल जो है उसको मुबारक समझते थे, तबर्रुक के तौर पर वो जहाँ रखा जाता था तो वहाँ उसे उनको कामयाबी मिलती थी। और इसका ज़िक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम इलाही में भी किया। तो ये अल्लाह ताला का निज़ाम है जो कि अल्लाह ताला ने दिया। फिर उसके बाद आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी चीज़ें थीं, खैमा मुबारक, उनका कुर्ता मुबारक, उनकी बर्तन, जो भी मतलब जो उनकी चीज़ें थीं, तो सहाबा कराम जो हैं उनके वज़ू का पानी,
उनके वजू के पानी तक को वो तबरुक समझा करते थे। क्या बात कि बिलाल हबशी जो हैं जब वो वजू करवाया करते थे तो वो लोटे में भर लिया करते थे, और हदीस मुबारक है कि वो लोटे का जो पानी है वह साहबा कराम जो है अपने हाथों में लिया करते थे और अपने मुंह पे फेरा करते थे तबरुक के तौर पे। और इसी तरह से एक हदीस है कि अस्मा बिनत अबी बकर जो हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता मुबारक जो है वो तबरुक के तौर पे अपने पास उन्होंने रख लिया और उसको वो पानी के अंदर भिगोती थी कि कोई बीमार होता था तो उनका ये अकीदा था कि आप जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ते मुबारक जब वो उसको भिगो के उस पानी को पिलाती थी किसी मरीज को तो वो शिफा पा जाता था। सुभान अल्लाह, क्या वो शिफा पा जाता था। तो अगर पीछे आगे की तरफ देखते हैं तो देखते हैं कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं वो भी यही किया करते थे, वो भी यही किया करते थे। तो ये सहाबा क्राम की सुन्नत है, साबा क्राम की सुन्नत है। और इसी तरह से फिर ये औलिया अल्लाह की जो चीज़ें हैं कि वही कहते हैं ना, जैसे इन्होंने फरमाया कि जब कोई बंदा अल्लाह का बंदा बन जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हदीस कुदुस में फरमाता है कि जब मेरा कोई बंदा मेरा बन जाता है तो मैं उसका बन जाता हूँ, मैं उसका दोस्त बन जाता हूँ। और इसका कुरान में भी अल्लाह ने जिक्र किया है कि अगर तुम मेरी दोस्ती चाहते हो कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुमुल्लाह, अगर तुम मेरी दोस्ती चाहते हो मेरा कुर्ब चाहते हो तो मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी करो तो मैं तुम्हें अपना दोस्त बना लूँगा। तो तसव्वुफ जो है वो आका अलैहि सलातो सलाम के फरामीन हैं, फरामीन हैं, और उसकी जो इब्तिदा है वह आका के फरामीन हैं और उनकी जो ज़िंदगी है वह तसव्वुफ है कि अगर हम उनकी ज़िंदगी को अपनाते हैं, उनकी अतात करते हैं, उनकी पैरवी करते हैं तो अल्लाह की तलाश तक पहुंच जाते हैं। अल्लाह को पाना तो बहुत बड़ी बात है, क्या बात, लेकिन अल्लाह की नूर की किरणें हमारे दिलों के अंदर आती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। आमना, आप क्या फरमाएंगे? हम तबरुक के हवाले से बात कर रहे हैं, बाबरकत अशिया, बाबरकत चीज़ें, बाबरकत वज़ाइफ, क्या फरमाएंगे? बिल्कुल, जैसा कि बीना साहिबा ने काफ़ी तफसीली जवाब दे दिया है कि सहाबा इकराम किस तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस्तेमाल शुदा चीज़ों को, अशिया को ले लिया करते थे, लेकिन क्यों लिया करते थे ये थोड़ा बताना चाहूँगी। बेशुमार मौजज़ात हैं यूसरा, अगर हम बात करें, हमारे पास वक्त बहुत मुख्तसर है। खालिद बिन वलीद जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोए मुबारक अपने इमामे पर लगा लिया करते थे तो बरकत क्या मिला करती थी कि हर जंग में फतह नसीब हो जाया करती थी। हरकल ने जिसके सर का दर्द कई दफ़ा कई हकीमों के पास, तबीबों के पास चला गया, इलाज करवाया, नहीं सही हुआ, जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोए मुबारक सर पर लगाता है तो उसके सर का दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो जाया करता है, ये बरकत कहलाई जाती है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना लुआब दहन जिस खारे कुएं में डाल दिया करते थे उसका पानी मीठा हो जाया करता था, ये बरकत है। हम तबर्रुकात इस्तेमाल क्यों करते हैं, अपने असलाफ की, अपने बुजुर्गान दीन की अशिया संभाल कर क्यों रखते हैं? आज के ज़माने में एक और हमें नुक्ता मिला करता है कि अब वो बुजुर्गान दीन तो हमारे पास चूँकि मौजूद नहीं, उनकी अशिया हमारे पास, उनके तबर्रुकात हमारे पास हैं, तो उन तबर्रुकात की बरकत से सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे होने की वजह से, एक तो वो शख्सियात थी लेकिन उनसे मंसूब शुदा जो चीज़ें हुआ करती हैं उनकी बरकत भी ये हुआ करती है कि वो अशियाओं के ज़रिए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत सारे बिगड़े हुए काम बना दिया करते हैं। क्या बात है, क्या मुबारक के हवाले से आप बात कर लीजिए या किसी, बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं करी, किसी भी साहिब मज़ार की चादर मुबारक का अगर जिक्र हम कर लें, तबर्रुक रख, मतलब तबर्रुक है हमारे लिए, हम उस चादर के सदक़े दुआ मांग लें खलाक़ आलम से कि रब्बे कायनात इस तेरे महबूब के, तेरे वली की चादर है, इसके सदक़े हमारी मुश्किल हल कर दे, वो दुआएं कबूल हो जाया करती हैं। क्या बात है, ये होती है तबर्रुक की जो ताकत है, जो कुव्वत है कि हम लोग अपने बुजुर्गान दीन, अपने असलाफ, अपने बुजुर्गों की चीज़ें अशिया संभाल कर क्यों रखते हैं, उनका हमारे जहनों में क्या कॉन्सेप्ट है, उनसे क्या चीज़ें, क्या फ़ायदा हासिल करें, ये बरकत ये हुआ करती है कि अपने बुजुर्गान दीन की अशिया संभाल कर रखते हैं। वो बुजुर्गान दीन तो थे, वो तो नवाजा करते थे, उनकी अशियाएं भी नवाजा करती हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू नाज़रीन, उम्मीद है कि आज का मौजू आपको बेहद पसंद आया होगा। यहाँ मैं मौजूद हूँ बहैसियत मेज़बान, लेकिन जितनी बातें हुई हैं इसे यकीनन मुझे बहुत मज़ा आया और ऐसा लगता है कि इससे ईमान ताज़ा होता है। मुझे उम्मीद है कि हम भी इस अमल में कामयाब हुए, आपकी भी सुबह को सुबह खैर बनाए। बहुत शुक्रिया बीना यज़दानी साहिबा आपकी आमद के लिए, बहुत शुक्रिया आमना सिद्दीकी आपकी आमद के लिए, आप दोनों ने वक्त दिया। सुबह सुबह इतवार की सुबह लोग सोते हैं लेकिन हम कोशिश करते हैं कि लोग जो जागे हैं वो कुछ सीख लें, कुछ जान लें, आपके तुफैल आपके जरिए पहुंचा, बहुत शुक्रिया। नाजीन वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद जब हाजिर होंगे तो हमारे साथ और भी मेहमान मौजूद होंगे, हेल्थ एक्सपर्ट्स भी होंगे, हम हिकमत की रोशनी में भी बात करेंगे, मेडिकल साइंस की रोशनी में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे अहम बात जो यहाँ होगी वो होगी थर के हवाले से, वो बात यहाँ होगी कि एहसास है क्या
और एहसास ट्रस्ट, ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट क्या कर रहे हैं थर में, क्या मजीद करना चाहते हैं, उसमें आपका सपोर्ट कैसे चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी कमी है, तो बहुत लंबी बात है और बहुत अहम बात है। मैं चाहूँगी कि आप एक लम्हे के लिए भी प्रोग्राम से दूर ना होइएगा, आप प्रोग्राम देखते रहिएगा और जानिएगा और कोशिश कीजिएगा अपना इनपुट ज़रूर दें प्रोग्राम में, और देखें भी और जाने भी, सीखें भी और अपने अंदर तब्दीली की कोशिश पैदा करें। जो सवालात हमने शामिल किए नाज़रीन कि कलमा तैयबा में कितने नुक्ते हैं, उसके बहुत से जवाब मुझ तक आए हैं। पहला जवाब हमें राफिया ने दिया था, दूसरा आमना ने दिया है, तीसरा अहसन ने दिया है, चौथा हमें ताहा हफीज़ ने दिया है। और जो जवाबात हैं नाज़रीन वो मैं शामिल कर लूँ। पहला सवाल था कलमा तैयबा में कितने नुक्ते हैं, तो जवाब है कि कोई नुक्ता नहीं है इस कलमे में। और दूसरा सवाल था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में कितने हुरूफ शामिल हैं, तो जवाब है कि 19। और माशाल्लाह हमारे नाज़रीन ने सही जवाबात दिए हैं फेसबुक पर, थैंक यू सो मच। एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं नाज़रीन, साथ रहिए, देखते रहिए, सुबह खैर। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह खैर युसरा खान के साथ। नाज़रीन आपका अपना प्रोग्राम जहाँ हम बात करते हैं आपके हवाले से। यकीनन नाज़रीन एक चीज़ जो बहुत मिसिंग है, एक चीज़ या एक बात या एक आदत या एक फितरत जिसकी कमी हो गई है, वो है एहसास। हम अगर सोचें कि हमारे पास क्या है, उसके लिए फिर रब ताला का शुक्र अदा करें और फिर दूसरा अमल ये करें कि देखें कि दूसरों को हम किस तरह फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, दूसरों की मदद हम कैसे कर सकते हैं, या उनकी कमी का एहसास करते हुए अपनी जानिब से मोहब्बत भरा, शफकत भरा एक हाथ आगे बढ़ा दें, तो यकीनन हमारे लिए नाज़रीन जहां हमारी ज़िंदगी एक मकसद से भरपूर हो जाती है, और यकीनन जहां मकसद से भरपूर हो रही वहीं रब ताला की रज़ा की सबब बन जाती है, वहीं दूसरों के लिए भी हम वजह बन जाते हैं उनकी खुशियों के। और यकीनन ये इसमें हमारा कोई कमाल नहीं होता, बल्कि ये तो रब ताला की रज़ा है, ये तो रब ताला की जानिब से इनाम और तोहफ़ा है कि रब ताला ने हमें इस अमल के लिए चुन लिया। अल्लाह ताला बेशक किसी की बर्दाश्त से बढ़कर उसको कभी कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाया करता। हाँ, वो आजमाता ज़रूर है, कभी देकर कभी लेकर। जहाँ हम बात करें नाज़रीन अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों की, वहीं हमने गुज़िश्ता कई प्रोग्राम सजाए आरवाईक्यू टीवी पर जहाँ हमने बात की थर के हवाले से। आगाज़ से मैं आपसे जैसे कि बात भी कर रही थी कि हम थर के हवाले से कुछ बात करेंगे। कहत, रोना, बिलखना, कमी, परेशानी, बीमारी, इस सब की वजह वो लोग खुद तो नहीं हैं। यकीनन ये एक आजमाइश है जो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से उन पर पड़ी है। और ये आजमाइश, ये इम्तिहान क्या सिर्फ हमारे उन भाई बहनों का है, क्या सिर्फ उन बच्चों का है जो वहाँ मौजूद हैं, बल्कि मुझे तो ये लगता है नाज़रीन ये दरअसल इम्तिहान हमारा है कि हम उनको किस तरह इस परेशानी से बचा सकते हैं। मैं नहीं गई, लेकिन एआईक्यू टीवी की बात करूँ या उन जिम्मेदारान की बात करूँ जो काम कर रहे हैं, ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट, एहसास ट्रस्ट, ये खुद गए, इन्होंने देखा कि वहाँ क्या परेशानियाँ हैं, क्या कमी है, क्यों बीमारियाँ बढ़ रही हैं, तो वजह मालूम होती है। मेरी दौरान वक्फा भी बात हो रही थी, हमारे रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ मौजूद हैं, थोड़ी देर में आपके से मुलाकात होगी, कि पानी ख़राब है, वो पानी जो जानवर इस्तेमाल करते हैं वही इंसान पी रहे हैं। नाज़रीन आज आप अपनी जानिब देखिए, एक साफ ग्लास अगर उसमें थोड़ी सी मिट्टी भी लगी हो तो हम उसको पीना पसंद नहीं करते, हम बोलते हैं बर्तन बदल दो, ग्लास बदल दो। तो ये तो छोटी सी बात है, अगर वहाँ देखा जाए तो कितनी सीवियर कंडीशन है। हम क्यों नहीं समझ रहे, हम क्यों अपनी जानिब से कुछ नहीं कर रहे, अगर कर रहे हैं तो वो कम है और बहुत ज़्यादा की ज़रूरत है। आज नाज़रीन इस पर बात करेंगे कि क्या ज़्यादा है, क्या ज़रूरियात हैं, क्या कमी है, क्या परेशानी है, हम कैसे अपना रोल प्ले कर सकते हैं। और यकीनन जहाँ मसाइल हैं वहीं बीमारियाँ भी हैं। बीमारी की बात हो तो यकीनन ये भी हमारा फरीज़ा है कि हम अपने प्रोग्राम में किसी हेल्थ एक्सपर्ट को बुलाएं। हमारे साथ मौजूद हैं आपकी जानी पहचानी हेल्थ एक्सपर्ट, और यकीनन इनसे आप कई मरतबा प्रोग्राम सुबह खैर में मिल चुके हैं। आइए खुश आमदीद कहते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डर्मेटोलॉजिस्ट मोहतरमा शमी मारा साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, प्रोग्राम में खुश आमदीद आपको कहती हूँ। और नाज़रीन डॉक्टर साहबा के साथ हमारी जो दूसरी मेहमान यहाँ मौजूद हैं, और जैसा कि मैंने कहा था ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट और एहसास ट्रस्ट की रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ मौजूद होंगी, उनसे प्रैक्टिकली बात करेंगे, क्योंकि यकीनन ये तमाम बातों को जानती हैं, तमाम फिगर्स से मुतारिफ हैं, ये जानती हैं वहाँ क्या काम हो रहा है, किन बातों की, किन चीज़ों की ज़रूरत है, आप कैसे इस ट्रस्ट का हिस्सा बन सकते हैं, कैसे इस एहसास कैंपेन में, इस एहसास ट्रस्ट में इनके हाथों में हाथ देकर कह सकते हैं कि हम आपके साथ मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। शबनम नासिर साहब आइए खुशामदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। और अल्लाह तबारक व ताला इस प्रोग्राम को, एआरवाईक्यू टीवी को सबब बनाए कि इन तमाम
चीख पुकार में, इन तमाम परेशानियों में, इन बीमारियों में कमियाँ अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। नाज़रीन, साथ ही साथ हमारे साथ एक और मेहमान भी मौजूद हैं, आपकी जानी पहचानी हस्ती हैं, कई मरतबा आपने पहले भी सुबह खैर में इनको देखा है, और क्योंकि यकीनन हिकमत भी और अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई नेमतों में बिलाशुबा सबसे ज़्यादा नेमतें मौजूद हैं, सेहत मौजूद है। तो आज हम हिकमत की रोशनी में बात करेंगे कि जो परेशानियाँ और खुसूसी तौर पर पानी के हवाले से, पानी की खराबी, गंदगी की वजह से जो बीमारियाँ पैदा हो रही हैं हमारे भाई बहनों में, उन बच्चों में जो वहाँ थर में मौजूद हैं, वहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं, तो उनको कैसे दूर करें, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में हमारी स्क्रीन और बीपर के जरिए हकीम अब्दुल बासित साहब। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम, खुशामदीद कहती हूँ आपको भी। आज हम बात करेंगे पानी के हवाले से, लेकिन शबनम साहबा आगाज़ में आपके साथ कर रही हूँ। यकीनन तमाम तर ज़रूरियात में सबसे पहली ज़रूरत होती है राशन, खाना पीना, अगर ये नहीं तो फिर कुछ नहीं होता। इस पर मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन एक पैकेज है, पहले मैं वो अपने नाज़रीन को दिखा दूं। नाज़रीन, एक पैकेज है, आइए ये देखते हैं कि राशन किस तरह दिया जाए, क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, जो कुछ भी डिटेल्स हैं, आइए इस पैकेज के जाने पड़ते हैं। सर बारकर में एहसास और ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल ने राशन की तकसीम भी की। थरपारकर में जब राशन तकसीम किया गया तो वहां के लोग खुश और मुतमईन थे। उनको इस बात का यकीन था कि इस ट्रस्ट के लोग जो कुछ लेकर आए हैं वो इन्हीं में तकसीम होगा। एहसास और ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट ने जो राशन पैकेज थरपारकर के लोगों के लिए मुख्तस किया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो एक मयारी राशन पैकेज था। इस राशन पैकेज में आटा, दालें, चीनी, चाय की पत्ती, अद्वियात, मिनरल वाटर, बच्चों की फूड सीरीज वगैरह शामिल थी। नाज़रीन, आपने ये पैकेज देखा, राशन पैकेज, और यकीनन ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट और एहसास ट्रस्ट काम कर रही है। मैं चाहूँगी कि शबनम साहब आप यहाँ मौजूद हैं, कुछ बताइए कि यकीनन हमारे नाज़रीन ने तो देख लिया पैकेज के ज़रिए कि क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल थी, आप क्या मज़ीद फरमाएंगी। मज़ीद मैं ये कहना चाहूँगी, जिस तरह से आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि ये हम लोगों की आजमाइश है, उनकी नहीं, और डेफिनेटली ये उन लोगों की आजमाइश नहीं है, हम लोगों की अपनी आजमाइश है, क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी है वो हमारा अपना नहीं है, अल्लाह पाक का दिया हुआ है। जब अल्लाह पाक के बंदे मुश्किल में हों तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी मदद करें, ना कि हम तमाशा देखें और इस तरह के काम करें, बल्कि हम जाके अमली तौर पे वहाँ पे हर चीज़ जो हम कर सकते हैं हम वो करें। मैं आपको ये बताऊं कि जब हम लोगों ने इस पैकेज को लेके हम लोग वहाँ पे गए, हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन का सोचा कि वहाँ पर राशन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हम कहीं मिट्टी में जाके नहीं बैठे थे, वहाँ पे हमने डेरा नहीं लगाया था। आप यकीन करें कि हम ऐसी ऐसी जगहों पे गए हैं, रेगिस्तान में गए हैं, जहाँ पे मिट्टी जो है, रेत हमारे तकरीबन घुटनों से कुछ नीचे तक की थी, लेकिन हमने हिम्मत नहीं आ रही, हम वहाँ पे खड़े होकर हमने वहाँ पे राशन को डिस्ट्रीब्यूट किया। सही। और जब हम वापस आए तो आप यकीन करें कि चेहरे पे से एक अलग से खाल उतर रही थी कि इतना वो। अल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम इन मेहनतों का बदला दे। नाज़रीन, एक मुख्तसर सा वक्फा है, वक्फे के बाद हाजिर होंगे तो मजीद बात करेंगे, और मुख्तलिफ काम है जो किए जा रहे हैं इस ट्रस्ट की बदौलत लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए, लोगों की परेशानियों में कमी पैदा करने के लिए। उम्मीद है नाज़रीन आप हमारे साथ ही रहेंगे, देखते रहिए सुबह खैर। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह खैर इशरा खान के साथ। नाज़रीन हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा है आपकी जानी पहचानी मेहमान हस्तियाँ। अगर आप प्लाज्मा की जानब देखें तो बज़ेर बीपर हमें जुड़ेंगे हकीम अब्दुल बासित साहब ने, और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में डॉक्टर शमीम आरा, और तशरीफ़ फरमा है ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट और एहसास ट्रस्ट की रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ प्रोग्राम में मोहतरमा शबनम नासिर साहिब। अभी बात हो रही थी वक्फे पर जाने से पहले, हमने एक पैकेज दिखाया राशन डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, जिसमें सब मयारी चीज़ें मौजूद हैं जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है। मैं कहूँगी कि खाना पीना, दवाइयाँ, दूध, क्या फरमाएंगी आप मज़ीद इस हवाले से।
मैं आपको ये बता रही थी कि जब हम लोग वहाँ पे गए और हमने वहाँ पे राशन डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की, मिट्टी की बात मैं आपको बताऊंगी, वहाँ पे लोग बेशुमार थे क्योंकि जितना हमारा मीडिया था वो तमाम का तमाम मिट्टी हॉस्पिटल में था। ठीक ठीक है, वहाँ पे हर चीज़ थी, लोगों का बेशुमार वहाँ पे हजूम था। लेकिन वहाँ पे सिर्फ मैं ये समझती हूँ जो मैंने पर्सनली वहाँ पे जाके देखा कि वो पब्लिसिटी लेने का एक सोर्स बना हुआ था कि किसी को भी अपने आप को दिखाना है तो वो मिट्टी पहुँच जाए। अच्छा ठीक है, हम लोगों ने वहाँ पे राशन डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की लेकिन लोगों का एक हजूम हम पे टूट आया जिनको ये यकीन नहीं था कि ये राशन उनके लिए है, इसलिए वो एकदम से भागे हुए आए और उन्होंने हम पे हमला, कह लूँ तो मेरा हल में गलत ना होगा, कि उनको हम कह रहे हैं कि आपको हम ये देंगे, आपके लिए लेके आए, आप लाइन में लग जाएं, लेकिन किसी ने बात नहीं सुनी। उसका रीजन सिर्फ ये है कि उन लोगों को यकीन नहीं था, वहाँ पे यही कुछ होता चला आ रहा है ना, कि आपने दिखाया और आप निकल गए, आपने दिखाया और आप निकल गए लेके। तो वो राशन वहाँ पे भी हमने कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया जितनी हमें हिम्मत थी, लेकिन उसके बाद हम लोग थर के डिफरेंट जो एरियाज हैं वहाँ पे हम लोग गए जहाँ पे कोई भी नहीं जाता। जैसे आपने पैकेज में देखा लोग बड़े मुतमईन और इंतहाई धूप के अंदर वो इस तरह करके बैठे हुए थे, उनको यकीन था कि ये लोग जो आए हैं ये हम ही में सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करके जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ पे खड़े होके एक एक शख्स को उसके नाम से पुकार के राशन दिया और जितना राशन लेके गए थे हम थर के डिफरेंट एरियाज़ में जाके डिस्ट्रीब्यूट करके आए। ना हमने कहीं इसको फेंकने की कोशिश की, ना हमने ये किया कि अपनी पब्लिसिटी बनाए, हमने जो काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑन ग्राउंड किया है और सबको वो नज़र आता है कि हमने वो किया, इसलिए हमारा दिल मुतमईन है हम आपके सामने आके बैठे कि हम ये सब काम वहाँ पे करके आए। हमने वहाँ पे किसी तकलीफ को नहीं देखा, हमने वहाँ पे वहाँ के मौसम को नहीं देखा, हमने वहाँ अपनी नींद का कोई ख्याल नहीं रखा कि हम क्या करेंगे। एक धुन थी कि हमने सिर्फ इन लोगों को किसी भी तरीके से रिलीफ पहुंचाना है, सुकून पहुंचाना है। भाई मैं ये कहूंगी, देखिए शबनम साहबा, मुख्तलिफ टेलीथॉन्स, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हो रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला इसके जरिए जितनी मदद करने के लिए लोगों के अंदर एहसास पैदा हुआ है उसमें मजीद बरकत अता फरमाए। हमारा मकसद ये नहीं है कि एक चैनल, एक फोरम हमें मिल गया है तो वहाँ बैठ कर हम चीज़ों को ड्रामेटाइज करें, हम रोएं, आंखों से आंसू निकालें। बात प्रैक्टिकल है, बिल्कुल यकीनन ये पहली मर्तबा नहीं हुआ, हर साल ऐसे मामलात होते हैं लेकिन हर साल फिर हमें भी रेडी रहना है मदद के लिए। बिल्कुल ये बात अहम है। और क्योंकि हम आरओ प्लांट की बात करेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस, पानी कैसे प्योर हो, कैसे सप्लाई हो, उससे पहले मैं चाहूंगी हकीम साहब, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब, हमारे पास मौजूद हैं, तो कुछ पानी के हवाले से बात करूंगी। पहले हकीम अब्दुल बासित साहब आपकी जानिब आ रही हूँ, इससे पहले कि हम बात करें कि साफ पानी कैसे मिल रहा है, मुझे ये बताइए ये गंदा पानी जो कंज्यूम हो रहा है, जो पी रहे हैं, क्या बीमारियां हैं जिनकी वजह ये पानी बन जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर के हवाले से जो मामलात पानी के हैं वहाँ पे सब लोगों के सामने ये बात बिल्कुल आया है कि वहाँ पे इस वक्त सबसे ज़्यादा जो लोग पानी की कमी की वजह से अमवात हो रही हैं। हर इंसान के जिस्म के अंदर 70% पानी की मौजूदगी होती है और हर इंसान या जानवर कोई ऐसा नहीं है जो बगैर पानी के ज़िंदा रह सके। बग़ैर खुराक के तो आप कई दिन तक, कई हफ्ते तक रह सकते हैं लेकिन पानी के बगैर नहीं रह सकते। हमारे साथ अलमिया ये है, मैंने इससे पहले भी काफ़ी प्रोग्राम किए और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे दुनिया के अंदर वो प्रोग्राम सुने गए। और जब हमने आरओ प्लांट और पानी की सफाई, देखें पानी का तो हर एक कह रहा है, सिर्फ मिनरल वाटर की बॉटल्स वहाँ पर ले जाना, वहाँ पर बांट देना कोई कमाल नहीं है। असल कमाल ये है कि वहाँ पर मौजूद गंदे पानी, जो कुएं का पानी है, जौहर या तालाबों का पानी है, वो किस अंदाज से लोग पी रहे हैं। जानवर भी वहीं से पी रहा है, इंसान भी वहीं से पी रहा है। तो बेसिकली एहसास ट्रस्ट ने ये इंतज़ाम किया कि उस पानी को काबिल इस्तेमाल बनाया जाए और कई हज़ार गैलन पानी जो है उससे आरओ प्लांट से निकाल के वो करीब की कई बस्तियों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ये नहीं है कि सिर्फ शो ऑफ करने के लिए, फोटो सेशन करने के लिए एक प्रोग्राम किया जा रहा है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि एहसास ट्रस्ट जो ये काम कर रहा है ये कम अज़ कम 20 साल की प्लानिंग के तहत कर रहा है। इसमें जो प्लांट लगाए जा रहे हैं या पानी साफ करने का जो काम किया जा रहा है, तो ये सिर्फ आप ही लोगों के तआवुन से, और हमने जैसे दुनिया भर में लोगों ने हमारे प्रोग्राम सुने और किसी ने डॉलर में, किसी ने यूरो में, किसी ने पाउंड में, किसी ने रियाल में और किसी ने रुपयों में इतनी मदद की एहसास ट्रस्ट की कि आज हम आपसे बाबांग दहल ये बात कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सारे चीज़ें तैयार हैं, सब चीज़ें जो है मुस्तहसन तरीके से और बहुत ही अच्छे हाथों के ज़रिए और बहुत ही अमानतदार हाथों के ज़रिए वो काम हो रहा है।
सही, बिल्कुल हकीम साहब। और जैसे कि बात हो रही थी कि बेशक नाजीन आपका साथ है और ये एहसास जो आप में मौजूद है उसकी वजह से अब तक चीज़ें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे ये मदद, ये काम, ये हिम्मत रुकनी नहीं है, थमनी नहीं है, बल्कि आपका साथ यूं ही बरकरार रहे, यूं ही आप अपनी मौजूदगी का भी एहसास दिलाइए और बताइए कि आप अपने उन भाई बहनों के लिए कितने फिक्रमंद हैं, आप किस तरह उनकी मदद करना चाहते हैं। साथ तशरीफ फरमाएं हमारे साथ। जी हकीम साहब, ये एक बात कहूँगा कि देख, मिसाल के तौर पे जो आपने मुझसे सवाल किया, चूंकि बीच में एक तमहीद में वो रह गया कि इस बीमारी यानी कि इस पानी की कमी से जो बीमारियां होती हैं उसमें मेन चीज़ तो ये है कि इंसान जो है कमज़ोर से कमज़ोर हो जाता है। नंबर दो ये कि उसके गुर्दे जो है बहुत नाकारा हो जाते हैं और जो वो पानी रेत वाला मिला हुआ पीते हैं उसकी वजह से हर इंसान जो ये पानी पीता है, चाहे वो जानवर पीता है, उसे गुर्दे की बीमारियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं और अमूमन जो है उनकी खाल जो है वो बाकायदा फटनी शुरू हो जाती है पानी की कमी की वजह से। और ऐसा हो रहा है कि वहाँ पे कई ऐसे मरीज देखे गए, कई ऐसे आम आदमी देखे गए कि जो पानी की कमी की वजह से उनकी खाल बाकायदा फट जाती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। तो ये सब चीज़ें जो एहसास ट्रस्ट के तहत जो हो रही हैं वो यही है कि सबसे पहले इंसान की जो नीड्स है उसमें वो पानी है तो पानी का इंतजाम किया जाए, इससे इंशाल्लाह इनकी बीमारियों का कम से कम 50% बीमारियों का सद्देबाब होगा इंशाल्लाह। और जैसे कि हकीम साहब भी कह रहे थे आरओ प्लांट के हवाले से, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, ये प्लांट क्यों किया जा रहा है, मजीद बात होगी हेल्थ के हवाले से डॉक्टर शमीम आरा से, लेकिन इससे कबल हम एक पैकेज देखते हैं नाज़रीन इस प्लांट के हवाले से, ताकि आपके मालूम हो कि हम बार बार ये जो टर्म आर ओ यूज करें ये दरअसल है क्या। आइए देखते हैं पैकेज। थर के मौजूदा कुओं का पानी नाकाबिले इस्तेमाल है जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियां पैदा हो रही हैं और बच्चों की ज्यादा अमवात हो रही हैं। इन हालात को मद्देनजर रखते हुए एहसास और ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल ने फैसला किया कि आरओ प्लांट थर में लगाया जाए ताकि थरपारकर के लोगों को पीने का साफ पानी मयसर आ सके और वो बीमारियों से महफूज जिंदगी बसर कर सके। इस सोच को अमली जामा पहनाने के लिए एहसास और ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट ने थर के एक गाँव कारोबजीर में आरओ प्लांट का संगे बुनियाद रख दिया है। इस मंसूबे के मुकम्मल होने पर इस गांव के तकरीबन 300 घरानों को पीने का साफ पानी मयसर आएगा। इस प्लांट से तकरीबन 10,000 गैलन पानी यौमिया मिलेगा। यूं कारोबजीर के लोग नाकिस और मुजरे सेहत पानी से निजात हासिल कर सकेंगे। आमतौर पर एक आम आदमी पानी को आबे हयात समझकर पीता है। ये पानी अगर साफ हो तो आबे हयात, वरना यही गंदा पानी मौत का पयाम्बर भी बन जाता है, क्योंकि मुजरे सेहत पानी के इस्तेमाल से हैजा, टाइफाइड, दस्त, खूनी पेशिश, मैदे और आंतों की सूजिश, जिगर की सूजिश, पोलियो, गैस्ट्रो, हेपेटाइटिस, गुर्दों की पथरी और दीगर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। थरपारकर के लोगों के लिए पानी हासिल करना इंतहाई दुश्वार मरहला है। यहाँ सिर्फ एक मशकीजा पानी हासिल करने के लिए जितनी मुशक्कत और दुश्वारी का सामना करना पड़ता है वो शहरी जिंदगी के तस्वुर से भी बालातर है। कुएं से एक मशकीजा पानी हासिल करने के लिए लोग मीलों पैदल सफर करके कुएं तक पहुंचते हैं और बड़ी मुशक्कत से 7 से 8 अफराद मशकीजे की रस्सी को खींचकर कुएं से एक मशकीजा पानी निकालने में कामयाब होते हैं। जरा सोचिए कि जब थरपारकर के लोगों को एहसास और ख्वाजा गरीब नवाज की तरफ से ये सहूलत मयसर आएगी तो उन लोगों की कितनी दुआएं हमारे साथ होंगी। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह खैर इसरा खान के साथ। और नाज़रीन आज हम अपने रूटीन से कुछ अलग बात कर रहे हैं और वो बात कर रहे हैं जो बहुत अहम है, और यकीनन इस हवाले से हमने पहले भी कई मरतबा प्रोग्राम सुबह खैर में बात की, और सिर्फ मेरे ही प्रोग्राम में नहीं बल्कि आप ARYQ TV के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, टेलीथॉन्स में कई मरतबा जिक्र सुनते रहे थर के हवाले से, क्या कहत है, क्या परेशानियाँ हैं और किस तरह लोग बीमार हो रहे हैं और क्या वजह है और हम क्या कर सकते हैं, इस पर भी बात करना तो ज़रूरी है नाज़रीन। सिर्फ ये बता देना कि ये परेशानियां हैं, ये मुश्किलात हैं, यहाँ बात ख़त्म नहीं होती बल्कि दरअसल बात यहीं से शुरू होती है कि अब
करना क्या है, आज हम ये बात करें। डॉक्टर साहब, हमने वक्फे पर जाने से पहले दो पैकेजेस देखे, हमने राशन के हवाले से भी देखा, हमने आरओ प्लांट के हवाले से भी देखा। माशाल्लाह ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट के मंसूबे हैं जिसमें हमारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, अल्लाह ताला इनको कामयाब फरमाए, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आप क्या फरमाएंगी, ये पैकेजेस देखना, ये तमाम लोग हमारे भाई बहन जिनको हम कई मरतबा देखते हैं, लोगों को दिखाते हैं, क्या एहसास हमारे अंदर पैदा होता है और आप क्या समझते हैं क्या बीमारियाँ क्या परेशानियाँ? सबसे पहले जो ये कदम उठाया बड़ा अच्छा है, लेकिन ये भी अभी कह सकते हैं कि आटे में नमक के बराबर। मेरा कहना ये, जितने मुखय्यर हजरात हैं जो इन कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, उनसे अपील की जाए कि वो आएं और मजीद प्लांट यहाँ पर लगाएं। मेन चीज़ यहाँ पर है पानी की कमी। सही। पानी होगा तो जिंदगी, तो पानी की अलामत जैसे 75 मोर देन 75-70% बॉडी का हिस्सा उस पर मुनसर होता है, तो सबसे बेसिक बुनियादी ज़रूरत पानी है। खाने पीने की तो बाद में बारी आती है, और ख़राब पानी से तो आपको दुनिया भर की बीमारियां, जैसे अभी बताया जा चुका है, मेरे ख्याल सबको आगाही है कि टाइफाइड है, पोलियो है, हेपेटाइटिस है, जिगर की बीमारियां हैं। सबसे बड़ी बढ़कर वो गुर्दे फेलियर होने की एक वजह है ये, क्योंकि उसमें रेत जाती है, पानी सही पहुँच नहीं पाता। सबसे अहम जो चीज़ है वो गुर्दों की खराबी है, और गुर्दों की खराबी खुद बजात खुद स्किन को भी, उस पर स्किन भी फटती है, डिहाइड्रेटेड होती है, सारा निज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है और मौत के करीब होता है इंसान। पानी इंतहाई ज़रूरी है। बेशक शबनम साहबा खुद गए ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट वाले तमाम रिप्रेजेंटेटिव, वो पानी जिसका हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं वो देखा आप लोगों ने। पहले मैं चाहूँगी हमारे नाज़रीन को कुछ बताइए कि वो क्या हालत है वहाँ, कैसा पानी है जो पी रहे हैं, और इस प्लांट से क्या तब्दीली होगी, कुछ फरमाइए इस प्लांट के हवाले से। इस प्लांट के हवाले से कुछ बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि वहाँ पे जो थोड़ा सा मैंने देखा पानी के हवाले से, इतना ज़्यादा टाइम मुझे नहीं मिला, लेकिन जितना कम मैंने देखा वो बहुत ज़्यादा था। सही। कि जैसे थर में बारिशें बहुत कम होती हैं तो वो उस पानी को भी ज़खीरा करके रख लेते हैं। अच्छा। और जिस पानी जिस जगह पर उसको ज़खीरा करता है उसको तराई कहते हैं उनकी ज़ुबान में, तो वहाँ पे ये होता है कि काफ़ी टाइम तक जो है इंसान भी और जानवर भी एक ही जगह से पानी पी रहे होते हैं। उसमें काफ़ी टाइम ये होता है कि टैटपोल्स वगैरह आ जाते हैं, पैरामेशियम, ये तमाम चीज़ें जो हैं उसके अंदर आ जाती हैं, जो पीने से मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं जैसे अभी आपने यहाँ पे देखा। और अगर वो किसी डीप वेल से या शैलो वेल से पानी ले भी रहे हैं उन कुओं से, तो वो ऐसा पानी होता है इंतहाई कड़वा, जिसको हम खारा पानी कहते हैं, पीने के काबिल नहीं होता। तो ये जो हम आरओ प्लांट वहाँ पर लगा रहे हैं, ये वो प्लांट है जो वहाँ पर पानी के अंदर मौजूद एलिमेंट्स जो नमकियात वगैरह हैं उनको उसमें से निकाल के एक फ्रेश क्लीन वाटर जो है उन लोगों को मिलेगा, तकरीबन 10,000 गैलन रोज़ाना एक गांव को, जिसमें तकरीबन 300 के करीब लोग रहते हैं, और उसके आसपास से भी आके अगर वो वहां से लेके जाएं तो उसमें कोई पाबंदी नहीं है किसी के लिए। सही। तो इस तरह के हम मुख्तलिफ मनसूबे जो हैं वहाँ पर चाहते थे कि हम करें, और अभी भी हम थर में हैं, अभी हम वहाँ पे देख रहे हैं कि हम उन लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी हम लोगों ने बात की राशन की, पानी की, ये तमाम चीज़ें ये कुछ टाइम के लिए तो हम लोग कर रहे होते हैं ना, लेकिन हम लोग ये सोचते हैं एहसास और ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट, हम ये सोच रहे हैं कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा अमल किया जाए कि उनकी ज़िंदगियाँ चेंज हो जाएँ। वो हमेशा हम लोगों के हर साल जो है मुंतज़िर ना हो कि इमदाद के ट्रक आएँगे या यहाँ पर कोई आएगा तो हम उनके पीछे पीछे भागते रहेंगे और हमें कुछ मिलेगा, एक दो बोरी मिल जाएंगी। तो इस तरह की महरूमी उनकी ज़िंदगियों से ख़त्म करने का हमने अज़म किया हुआ है कि कुछ इस तरह के हालात हो जाएं और लोग मुखय्यर हज़रात हमसे इतना तआवुन करें, हमें इतने फंड्स दें कि हम उन्हें इस काबिल बनाएं कि वो अपना सब कुछ खुद कर सकें। सही। मैं नाज़रीन से भी कहूँगी कि तमाम तरह नंबर्स और लिंक्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, जैसे कि हकीम साहब ने भी कहा, जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने भी कहा, जैसे कि शबनम साहिबा ने भी कहा कि आप सबसे यही गुजारिश है, जितने हमारे मुखय्यर हज़रात हैं, जितने हमारे नाज़रीन हमें देख रहे हैं, अपना मदद का हाथ ज़रूर बढ़ाइए और बताइए कि आपको भी एहसास है उन लोगों का, जो कोई और नहीं, आप जैसे ही इंसान हैं, आप जैसे ही वो खाते हैं, आप जैसा ही वो पीते हैं, आज उन्हें कमी है तो आप किस तरह उनकी मदद कर सकते हैं, अपनी मौजूदगी का आपको इजहार करना है। और ये मत समझिए कि आपने थोड़ी मदद की या कुछ थोड़ा सा अपना हिस्सा दिया तो वहाँ बात ख़त्म होती है, ये थोड़ा थोड़ा बहुत हो जाता है, जैसे कहते हैं ना कतरा कतरा या बूंद बूंद भी समंदर की शक्ल या सूरत अख्तियार करता है। तो इस वक्त उस बंजर ज़मीन को जो सूखी है समंदर की ज़रूरत है, और वो समंदर कोई और नहीं बल्कि आपकी मदद के वो कतरे हैं जो वहाँ समंदर की सूरत अख्तियार करेंगे। हकीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हकीम साहब, हमने यहाँ खारे पानी की बात की। जी, खारे पानी में ये जो नमकियात की भी शबनम साहिबा ने भी बात की, यकीनन मजीद आप बेहतर अंदाज में बता सकते हैं क्या वजह है, क्यों किडनीज खराब हो रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात
मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन मैं ये बताऊं कि ये जो प्लांट लगा रहे हैं, ये प्लांट लगाना बहुत बड़ा कोई कमाल की बात नहीं है, ये लोगों के तावुन से लगा तो दिया। लेकिन एहसास ट्रस्ट का सबसे बड़े जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि वो इस प्लांट को दूरस यानी कि मुस्तकबिल के अंदर मेंटेनिंग का भी पूरा का पूरा ये लोग जिम्मेदारी ले रहे हैं। असल बात ये होती है कि कोई चीज़ वहाँ पे लागू कर देना, कोई चीज़ लगा देना, ये तो हर एक कर रहा है, लेकिन एहसास ट्रस्ट और ख्वाजा गरीब नवाज, जो मेरी बिल्कुल इनसे बात हुई, वो ये कि वो इसको मेंटेनिंग भी करेंगे, इस तरह बाकायदे इंजीनियर या बाकायदा वहाँ पे लोग मौजूद होंगे जो उसको मेंटेन करेंगे। जहाँ तक आरओ प्लांट का आपने बताया, इसमें देखिए इसका एक ऐसा तरीक़ाकार होता है कि इसमें पानी के अंदर, जैसे शबनम साहिबा ने भी बताया कि इसमें इतनी ज़्यादा कड़वाहट होती है कि आप और हम तो उसको तसव्वुर ही नहीं कर सकते ज़बान पे रखना। इसमें होता यह है कि उस प्लांट में जितनी भी इसमें कसाफतें होती हैं, जिसमें पीएच जितने भी एक्स्ट्रा हो जाते हैं, इतना ज़्यादा इसमें चीज़ें हो जाती हैं, इन सबको ये प्लांट जो है क्लियर कर देता है, पानी को ये बिल्कुल ऐसा कर देता है, बिल्कुल टेस्ट वाइज भी ये साफ़ सुथरा हो जाता है। और उसके बाद इसमें कुछ मिनरल्स जो है वो ऐड किए जाएंगे आरओ के बाद, जब आरओ प्लांट वो जो हो जाता है, तो इससे जो है फ़ायदा ये होगा कि इस पानी के पीने से सबसे पहली बात ये कि आपके किडनीज जो है ना वो सेफ रहेंगे। जहाँ तक ताल्लुक है कि अमूमन गैस्ट्रो का मर्ज वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाता है, इंशाल्लाह उसका मुकम्मल खात्मा होगा। इसी तरीके से मैदे के अमराज हो गए या फिर और दूसरे मामला स्किन का, जैसे डॉक्टर शमीम साहिबा ने भी बताया, मैंने भी बताया, तो इन सब का तदारुक सबसे पहली और बुनियादी चीज़ साफ पानी से हो जाएगा। दवाएँ तो देखिए बाद में आएंगी, पहले ये कि आपको जो बेसिक नीड है, जब पानी आपको साफ मिलेगा तो वो अल्लाह के बंदे जिन जिन लोगों का इन्वेस्टमेंट और लोगों के डोनेशन है उनको कितनी दुआएं मिलेंगी कि ये सदका जारिया है एक तरीके से, और उसको किस तरीके से हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, किस तरीके से। बहुत अहम प्लांट है, बस अल्लाह ताला मैं कहूंगी कि इनको कामयाब करे, ये जो सोच है इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सके, और यकीनन आपकी मदद के बगैर नाजरीन कुछ नहीं होगा। शबनम साहबा क्या फरमाएंगी मजीद, आरओ प्लांट हम लगा रहे हैं और जैसे कि हकीम साहब ने भी कहा कि इसको मेंटेन रखने का आप लोगों का इरादा है, क्या कहेंगे? मैं आपको ये बता दूं कि जो आरओ प्लांट वहाँ पे हम लगाना चाह रहे हैं उसका हमने संगे बुनियाद अभी रखा है, सही, अभी वहाँ पे आरओ प्लांट हमने लगाया नहीं है, संगे बुनियाद जिस पे अभी तेजी से काम शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह है भी, और मजीद तेजी से काम शुरू हो जाएगा। उसके लिए हमें जो है आप लोगों की हेल्प चाहिए, और इसको मेंटेन करने के लिए आपको पता है कि हमेशा वहाँ पे किसी ना किसी का होना बहुत ज़रूरी है, और जो वहाँ पे होगा उसके भी अपने अखराजात और दूसरी चीज़ें बिल्कुल हैं, कोई वैसे ही वहाँ पे जाके ये सब काम नहीं करेगा। तो इसके लिए जो है हम इंशाल्लाह, हमने सोचा हुआ है कि वहाँ पे जाके ये काम करते रहेंगे, हम डरने वाले और भागने वालों में से नहीं हैं, हम जब थर गए हैं तो इंशाल्लाह अब हम थर में से कुछ निकल करके ही निकलेंगे, ऐसे नहीं भागेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और शबनम साहिबा इंशाल्लाह जब आप करेंगे तो आप अकेले नहीं होंगे, आप ये देखेंगे कि आप आए थे कदम बढ़ाने आगे, और आपके पीछे माशाल्लाह तमाम सफ़े मौजूद होंगे मुसलमान हमारे भाई बहनों की देखने वाले। नाज़रीन एक वक्फे के बाद हाजिर होंगे, मजीद बात करेंगे, अहम बातें हैं, अहम ज़रूरियात हैं, आपको बता रहे हैं कि दरअसल हम जब बात करते हैं कि एहसास के लिए आप अपनी मदद का हाथ बढ़ाइए, एहसास ट्रस्ट का साथ दीजिए, आप ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट को ज्वाइन कर लीजिए, आप बताइए कि वो अकेले कुछ नहीं कर रहे बल्कि आप उनके साथ मौजूद हैं। तो वजह यह है कि ये तमाम काम जो हम बता रहे हैं, ये जो पैकेजेस हम दिखा रहे हैं, इसका मकसद यही कि हाँ हम कर रहे हैं, पैसा जमा करके नहीं रखा जा रहा अगले या उससे अगले साल के लिए, बल्कि अभी जो परेशानी है उसको दूर करने के लिए इस पैसे को लगाया जा रहा है। पैसा आपका है, आप जिस तरह जिस नियत के साथ देंगे अल्लाह ताला उस नियत का आपको कई 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 गुना ज़्यादा अजर देगा, सवाब देगा। और साथ साथ सोचिए अगर आप किसी की परेशानी को दूर करने की वजह बन गए तो और क्या चाहिए। एक वक्फा नाज़रीन, हाजिर होते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह बख़ैर इसरा खान के साथ। नाज़रीन आज का मॉर्निंग शो किसी और के नहीं बल्कि आपके नाम है, हम आपको मौका दे रहे हैं कि आप अपने भाई बहनों की मदद कीजिए, हम आपको मौका दे रहे हैं कि आप दुखी इंसानियत की खिदमत कीजिए, हम आपको मौका दे रहे हैं कि आप बताइए, आप जताइए कि आप कितने अच्छे मुसलमान, कितने अच्छे इंसान हैं, आपके दिल में किस कदर एहसास मौजूद है। अगर आपके भाई बहन परेशानी दुख की हालत में मुब्तला हों तो आप भी उनके साथ खड़े होंगे कि हम आपकी मदद के लिए हैं, आपको रोना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना। यकीनन थर तहत कई प्रोग्राम्स हुए, कई बार हमने जिक्र किया परेशानी का, रोने का, बिलखने का, पानी की कमी का, खाने की कमी का,
दौरान वक्फे भी हम कोई और बात नहीं कर रहे थे, बल्कि मेरी और डॉक्टर साहब और यकीनन हम सब की शबनम साहब से ही बात हो रही थी कि वहाँ डॉक्टर्स नहीं हैं, वहाँ मेडिसिन नहीं है, हर चीज़ की हमें ज़रूरत है। नाज़रीन अपने आप को देखिए कि आप जहाँ रहते हैं सिर्फ उस एरिया में आपको 25 डॉक्टर्स मिल जाएंगे, सिर्फ आपको पैसे देने हैं और आपका इलाज हो जाएगा, लेकिन वहाँ इन चीज़ों की कमी है। डॉक्टर साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बेसिकली किन मेडिसिन की ज़रूरत है और जो लोग वहाँ मौजूद हैं अगर उनको आप कोई अवेयरनेस दे सकें हेल्थ के हवाले से तो क्या कहेंगी? पहले अगर हो सके तो वालिया करें, जो कि खुद बजाते खुद, दूसरी बात है दवाएं तो बाद में आती हैं, सबसे पहले प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सही। तो उसके लिए दवाएं तो वो गैस्ट्रोएंटेराइटिस की दवाएं वगैरह हो गई, और रहा छोटी मोटी तकलीफ़ों के एंटीबायोटिक है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिर बात वहीं आके रुकती है कि सबसे बेहतरीन दवा जो है साफ पानी, बिल्कुल पहले वो मिल जाए, काफ़ी ज़रूरियात तो सही हल हो जाएंगी। बिल्कुल, मैं नाज़रीन से यही कहूँगी कि नंबर्स नाज़रीन आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं और जब से हमारे सेगमेंट शुरू हुआ है तब से हम बात कर रहे हैं एहसास ट्रस्ट की, ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट की। नंबर्स स्क्रीन पर आपको दिखाने के लिए या जताने के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए हैं कि नंबर लीजिए, अपने मोबाइल में टाइप कीजिए, अगर आप कितनी हैसियत है कि आप मदद कर सकते हैं तो प्लीज़ मदद कीजिए। और यकीनन ये ट्रस्ट आपसे करोड़ों में नहीं मांगती, आप अपनी हैसियत के मुताबिक दे सकते हैं। और सिर्फ आर ओ प्लांट या सिर्फ राशन की मैं बात नहीं करूँगी, थर के अलावा भी बहुत से काम हैं जो किए जा रहे हैं। अगर हम अपने गिरदो नवा में भी देखें तो परेशानियाँ हैं, गुर्बत है, और किस तरह इसको दूर कर रहे हैं। मैं चाहूँगी शबनम साहबा मौजूद हैं, क्या न्यू स्कीम्स, हम पहले भी प्रोग्राम्स करते रहे हैं, हमने रिक्शा स्कीम के हवाले से बात की, राशन के हवाले से बात की, और क्या मजीद ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट और एहसास ट्रस्ट ने सोचा है या कर रहे हैं लोगों के लिए? रोज़गार स्कीम के तहत मैं आपसे ये बात करना चाहूँगी कि एहसास रोज़गार स्कीम के तहत जैसे आपने कहा कि रिक्शा तो हमने पहले डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, उसके बाद और भी डिफरेंट चीज़ें, जैसे हमारे पास एप्लीकेशंस आती हैं, हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग देख रहे होते हैं। लेकिन एक चीज़ जो अभी हमने नई शुरू की है, जिसको देख के हमें एहसास हुआ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जॉब्स मिल सकती हैं, सब वो काम कर सकते हैं, सिर्फ एक चीज़ के ना होने की वजह से उनको जॉब नहीं मिल रही होती। उसको जब हमने रियलाइज़ किया तो वो चीज़ थी बाइक, आपकी ज़ाती सवारी, जिसके लिए डिफरेंट कंपनीज जो हैं वो रिक्वायर्ड करती हैं कि आपके पास ज़ाती सवारी है, सही, अगर है तो आपको जॉब मिल जाए, हायर कर लेते हैं, ठीक है, ये भी एक आसानी। इसके अलावा और मजीद क्या कर रहे हैं? इसके अलावा ये तो हम दे रहे हैं उन लोगों को, इसके अलावा हम लोगों ने अभी ये सोचा कि ये इतनी सारी स्कीम्स जो हैं वो मेल्स के लिए कर रहे हैं, फीमेल के लिए भी एक सिलाई मशीन जो है वो हम लोग दे दिया करते थे, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती थी उसके मुताबिक। लेकिन अब हमने ये सोचा है कि ख्वातीन को इतना हुनरमंद बनाया जाए कि वो अपनी एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी शुरू कर सके, खुदा ना खास्ता अपने बच्चों की, सही, बिल्कुल खुदा ना खास्ता ज़िंदगी में कभी कोई उनके साथ प्रॉब्लम आ जाए तो वो इस काबिल हों कि वो एक बाइज़्ज़त रोज़गार जो है वो कमा के अपने बच्चों तक पहुंचा सके ना। सही। तो उसके लिए हमने ये सोचा है कि हम सिलाई सेंटर जो है उसका इफ्तिताह करें, हम लोगों ने कराची में और इंशाल्लाह ताला पाक पतन में भी हम लोग उसको शुरू करेंगे, लेकिन पाक पतन में उसको शुरू करने के लिए हमें अभी थोड़ी सी जो है वो फंड्स की ज़रूरत है कि हमने वहाँ पे ज़मीन परचेज करनी है और उसके बाद जो है हम वहाँ पे ये काम शुरू करेंगे, लेकिन इरादे हैं हमारे इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इन इरादों में आपको कामयाब फरमाए। और ये इरादे नाज़रीन अकेले इनकी सोच से नहीं, अगर शबनम साहिबा यहाँ मौजूद हैं, ये एक रिप्रेजेंटेटिव है, एक पूरा इदारा, एक पूरी ट्रस्ट है जो काम कर रही, जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, मैं ये कहूँगी। हकीम साहब मौजूद हैं, हकीम अब्दुल बासित साहब हमारे पास वक्त कम है, मैं चाहूँगी सिर्फ हमारे नाज़रीन को बताइए कि वो ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट पर ट्रस्ट करें तो क्यों करें, क्या कहेंगे? देखिए बात सिर्फ इतनी सी है, हमने खासे प्रोग्राम किए और पाकिस्तान के अंदर खासा ये रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन या जितनी भी एनजीओज आती हैं तो बस वो सिर्फ अनाउंसमेंट करती हैं कि ये चीज़ हमें चाहिए, ये चीज़ हमें चाहिए, लेकिन एहसास ट्रस्ट और ख्वाजा गरीब नवाज़ का जो मैं मुसलसल देख रहा हूँ कि वो एक एहसास रखते हैं कि हमें इसकी जवाबदेही भी करनी है, बिल्कुल बाकायदा इसकी एक बैलेंस शीट का अजरा, और बाकायदा मैंने तो ये देखा है कि कई दफ़ा देखा, एक दफ़ा नहीं देखा, कि कहीं पर अगर कोई काम हो रहा है, चाहे वो कुर्बानी के हवाले से, चाहे वो सैलाब के हवाले से, चाहे वो थर के हवाले से, तो हाजी अब्दुल रऊफ साहब के ये खासा है कि वो उस जगह पर खुद ब खुद पहुँच जाते हैं, यानी उनको इतना एहसास है इस चीज़ का कि वो अब्दुल रऊफ साहब को कि वो खुद उस जगह को लोकेट करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं, ये नहीं है कि वो
तो ये असल में चीज़ होती है कि जो आपका चेयरमैन है, जो आपका बड़ा है, वो इतना एहसास रखता है कि वो अपना एसी ड्राइंग रूम छोड़ के, एसी कमरे को छोड़ के, वो उस गर्मी के अंदर वो तमाम चीज़ों को देखता भी है, जाता भी है, चाहे वो कोई भी जगह हो। सैलाब के मामलात में मैंने खुद देखा कि जहाँ जहाँ भी हो ये उधर पहुँचते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये हमारे पास प्रैक्टिकली चीज़ें मौजूद हैं। बिल्कुल, बस नाज़रीन से मैं ये कहूँगी, ये महंगे इस पर आप पूरा एतमाद करके दीजिए कि हम जवाबदही के लिए भी तैयार। बिल्कुल नाज़रीन, हकीम अब्दुल बासित साहब ने बहुत मैं कहूँगी खूब अंदाज में और आपकी तसल्ली के लिए बताया है कि किस तरह ये ट्रस्ट काम करे। मैं चाहूँगी कि इससे पहले कि हम प्रोग्राम का अख्तिताम करें, मैं चाहूँगी डॉक्टर शमी मारा हमारे साथ मौजूद हैं, आप क्या पैगाम देंगी हमारे नाज़रीन को? बस ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे बढ़ें। बिल्कुल, पहले सरवर साहब जो जितना भी मदद कर सकते हैं करें, छोटे छोटे प्लान शुरू करें, छोटे स्केल पे ही करें भले, कोई बात नहीं, लेकिन डोनर्स बहुत देते हैं हमारे, आपको शायद अंदाज़ा नहीं कि इस कदर डोनर्स हैं हमारे, देने वाले भी इंतहा। सही, बिल्कुल, सखावत से। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हमारे अंदर एहसास पैदा हो और हम दूसरों की मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। शबनम साहिबा, जाने का वक्त करीब है, लेकिन ये सिलसिला, ये पुकार, ये एहसास कहीं नहीं थमने वाली। हमने यहाँ बात की है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन जो नंबर्स स्क्रीन पर हैं उस पर कॉन्टैक्ट करेंगे और लोगों की मदद के लिए, और स्पेशली ये जो प्लांट है RO प्लांट, रिवर्स ऑस्मोसिस, साफ पानी देने के लिए। मुझे तो ये उम्मीद है कि अब जब जब हमारे नाज़रीन अपना पानी का ग्लास उठाएंगे तो उन्हें थर का पानी याद आएगा। बिल्कुल याद बस आएगा। ये मुझे याद, आप क्या कहेंगी? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी आखिर में कि अल्लाह ताला से तिजारत करें, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि वहाँ पे आपको किसी भी किस्म की जो है डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप एक रुपया खर्च करेंगे, आपको मालूम नहीं कि आपको कितना जो है वो उसके जवाब में मिलेगा, मुनाफा ही मुनाफा है। और दूसरी चीज़ ये कि उस वक्त कर दें जब आपके हालात बहुत अच्छे हैं, आप सेहतमंद हैं, उस वक्त ना करें कि जब आप अपनी ज़िंदगी की खुद भीख मांग रहे हों तो आप उस वक्त जो है अपनी खैरात दे रहे हो। अपनी खैरात देने से पहले जो है ज़कात, खैरात, अतियात जो हैं वो आप पहले ही दे दें तो ज़्यादा बेहतर है और वो अफजल होते हैं। सही, बहुत शुक्रिया शबनम साहिबा, बहुत शुक्रिया शमी मारा साहिबा, और बहुत बहुत शुक्रिया हकीम अब्दुल बासित साहब। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम अपने इख्तिताम पर पहुँचता है। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं, आप चाहें तो प्रोग्राम के बाद भी, बल्कि चाहें क्या, मैं चाहूँगी कि आप प्रोग्राम के बाद भी कॉन्टैक्ट करें इन नंबर्स पर, अपनी जानिब से जिस कदर भी हो सके हिस्सा दीजिए RO प्लांट के लिए, राशन के लिए, आपकी ज़रूरत है। नाज़रीन, एक एहसास तो चल पड़ा है, अब इस एहसास को ज़िंदगी कौन देगा? आप देंगे। यह एहसास तो मौजूद है, लेकिन एहसास से सब कुछ नहीं हो जाता। एहसास के साथ कुछ माल की, कुछ दौलत की, और यकीनन आपके साथ की ज़रूरत है। इस साथ को ना छोड़िएगा, साथ मौजूद रहिए एहसास कैंपेन के, एहसास ट्रस्ट के, ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट के। उम्मीद है कि नाज़रीन आप थर में मौजूद कहत के लिए जब अपने लिए दुआ करें तो उनके लिए भी दुआ करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी नाज़रीन, मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।